धोए गए सारी में इतना गंदा मुझे वॉमिट आ गया। छोटी बहन झगड़ा करके वायरल हो जाए, वायरल तेरा। मैं ना नंबर टांग लूं फटाफट के ना, मैंने कहा उम्मीद करती हूँ खाली से होंगे, बिल्कुल ठीक होंगे और फिट होंगे। तो वेलकम है जी आपका सैर्स क्रेजी वर्ल्ड में, और मैं हूँ जी आपकी और सैर शिशफाक। तो एक नए दिन में, एक नए व्लॉग में, कुछ नई बातों, नई चीज़ों के साथ मैं हो गई हूँ हाजिर। तो जी आज का दिन भी माशाल्लाह से बहुत अच्छा है, और एक दिन का गैप आ गया हमारे व्लॉग में, क्योंकि वैसे तो मैं रूटीन में डेली बना रही हूँ, लेकिन कल मैंने व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि कल था मेरे पापा का ऑपरेट। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हो गया है अच्छा सा, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान थे और फिर मैंने व्लॉगिंग नहीं की, दिल्ली नहीं किया कैमरे को पकड़ने का ना। सो खैर अब वो माशाल्लाह से ठीक हैं, अब अल्लाह ताला उनको जो है वो रिकवर करे जल्दी जल्दी, यही मुश्किल होता है, फिर उसके बाद इंसान रिकवर होता रहता है। और अल्लाह ताला ने उनको जो है वो सेहत दे अल्लाह ताला उनको, और उनकी जो है पेन वो कम हो। सो खैर अब जो है वो आज का व्लॉग एक नए दिन का हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होकर। और मेरी दुआ है कि किसी भी पेरेंट्स को, कोई भी इस दुनिया में पेरेंट्स है ना, वालदैन है, तो अल्लाह ताला सबको सेहत तंदुरुस्ती अता करे। बच्चों से अपने पेरेंट्स नहीं देखे जाते बीमार, जैसे वालदैन से बच्चे नहीं देखे जाते ना, बिल्कुल इसी तरह बच्चों से भी वालदैन नहीं देखे जाते। और जिनके वालदैन इस दुनिया से चले गए हैं अल्लाह ताला उनको सब्र दे, सब्र जमील अता करे। जो बीमार हैं अल्लाह ताला उनको शिफायाजला कामला अता करे। ठीक है जी, आज की इसी अच्छी बात के साथ हम करते हैं अपने ब्लॉग का आगाज़। और जी सुबह का टाइम हो चुका है, सुबह तो खैर नहीं, आज संडे है तो 12:30 हो रहे हैं। और जी नाश्ता मैंने बना लिया है, और नाश्ते में अभी क्या है फ़िलहाल, चाय और बिस्किट चलेंगे। ये दी बिस्किट ले लिए हैं मैंने, वी टेबल, और दी मेरी चाय। और अब मिलवाती हूँ आपको टीम पार्टी से। चलो सलाम लो ना पहले। अस्सलाम वालेकुम गाइस, गाइस आपको एक बात बताऊं, कल ना अम्मा को ना चक्कर आए थे। चक्कर आए थे फिर? नहीं मतलब मैंने कप पकड़ा हुआ था, भाई का दूध डालने लगी थी, अम्मा से गिरा, तो अम्मा की ये जो दो अम्मा की दो फिंगर थी ना, है ना, ये इस पे वो कप ने ये देखिए यहाँ पे लगा, मैं दिखाती हूँ, ये देखो एक यहाँ पे लगा, एक यहाँ पे लगा, तो इतना ब्लड निकला, इतना ज्यादा इतना निकला, फिर मैंने सनी प्लास लगाई जी, और ये देखे मेरा बिस्किट मैंने आ जाए। ओके जी, चलो जी सारिम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, सारिम साहब हाँ जी कैसे हो? ठीक हूँ। और क्या कहना चाहते हो सारिम का पोस्ट गेस्टर चेक कर लो। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि सब हमारे लिए, हमारे नाना बुक लिए दुआ करें ताकि वो जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। छुट्टियों में ये जो सैटरडे संडे की छुट्टियों का एक फायदा होता है काम जल्दी हो जाता है। अब कल मैं 4 बजे फारिग हो गया था, आज एक काम है, आज मैं 2 बजे हो जाऊँगा। चलो बस ये कहना चाहते हो। चलो जी फिर हम अब बारी है जी हमदा की। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो हमदा? मैं ठीक हूँ। अच्छा जी बताओ क्या कहना चाहती हो? सबकी मैथ से जान छूटे। सबकी मैथ से जान छूटे, मयरमेंट मयरमेंट से जान छूटे। इनको पढ़ना पड़ रहा है ना, इनके रिवीजन टेस्ट आठ में है, तो ये उसकी वजह से ये लोग परेशान हुए हैं कि हाय हमें इतना पढ़ना पड़ रहा है, और अभी तो पेपर होने हैं, अभी तो पेपर होने हैं। और अल्लाह पाक सबके ग्रैंड पेरेंट्स पेरेंट्स को सेहत दे। हाँ बिल्कुल, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे सबको, बच्चे भी परेशान होते हैं है ना, तो अल्लाह ताला सबको ठीक करे। और मैंने सोचा कि मुझे ये बात वैसे मैं अपनी पर्सनल जो बहुत ज़्यादा इस तरह की बातें होती हैं ना घरेलू, वो मैं शेयर नहीं करती हूँ ऑन कैमरा, लेकिन ये मैंने इसलिए शेयर किया है क्योंकि पता नहीं किसकी दुआ है जिससे कबूल हो जाए और उनको मेरे पापा जल्दी जल्दी से ठीक हो जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह ऑपरेट उनका बिल्कुल ठीक हो गया है और वो रिकवर हो रहे हैं, लेकिन फिर भी मेरा दिल किया कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। जब आप लोग डेली हमारे व्लॉग्स देखते हैं तो फिर आप लोगों के साथ ये बात भी शेयर करनी चाहिए ताकि आप लोग दुआ करें और आगे मज़ीद वो बिल्कुल ठीक रहें, कोई परेशानी ना हो। सो इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी, ठीक है, कि हम किस फेज़ में से गुजरे हैं, किस परेशानी में से गुजरे हैं। कल हमारा बहुत ज़्यादा परेशानी वाला, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वाला दिन था,
के बस आपको बता नहीं सकते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज हम ठीक हैं, ओके हैं। क्योंकि अगर पेरेंट्स में से किसी को, जैसे बच्चा अगर चोट लग जाए या परेशान हो या बीमार हो, तो जो पेरेंट्स का हाल होता है ना, सेम बच्चों का भी वही हाल होता है जब पेरेंट्स को कुछ होता है। और ये देखें, दोनों टंकी चल रही है फुल। अब मैं पी लूँ जल्दी से चाय, ठीक है? तो फिर बाकी सारा दिन जो भी करते हैं आपको दिखाते हैं। लेकिन आप करेंगे क्या, हमारे चैनल को कर देंगे सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर, और बेल आइकन को कर देंगे प्रेस, ताकि जैसे कोई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो क्या कह रहे हो, चाय भी ठंडी हो गई? लेकिन भूल जाती है। अलिफ बे भूल गई है, मुझे कह रहा मैं याद कर। ते से टे जी टे से आइन गाइन लाल बे भूल गई। सारी मुकाद की ब्लॉग का टाइटल ये होगा, सारी मुकाद पे भूल गई। अली बे पे टे से गलत गलत अली बे पे ते टे वही तो बोला है। नहीं बोला अभी से हमदा आपके फोरहेड पे कितने सारे दाने से बन गए ना, खरबूजा खाया था गर्म होता ना। अलिफ बे पे ते टे से जीम चे हे खे दाल डाल जा रे रे जे से जी सीन सीन स्वा स्वा तुआ गा आइन गाइन फे काफ ला मीम काफ ए काफ काफ गाफ ओ गाफ गाफ दोनों को नहीं आती अलिफ बे, दोनों याद करेंगे और दोनों व्लॉग में सुनाएंगे। तौबा तौबा तौबा, ये बच्चे मेरे हैं, मेरे बच्चे नहीं है ये, मैं इतना इन्हें पढ़ाती हूँ, फर्स्ट आते हैं, टॉप करते हैं, और अली पे भूल गई है। मैं बताऊँ क्यों भूली है, ड्रामे सारे याद है। क्यों भूली है, कभी यूज ही नहीं करते। ड्रामे सारे याद है, सारे याद है। ड्रामा में उर्दू की बात, कौन से ड्रामे में क्या डायलॉग है ना, सारे को वो भी याद है। ठीक है, सच्ची में मम्मा अली पे भूल जाती है, लेके आ गई है, सच्ची में भूल जाती है। हुरैन सुनाएगी, हुरैन आप सुनाओ, हुरैन भी इधर हो रही है। अलिफ अलिफ मद्दा बे बे ते ते से दीन के हे दाल डाल हे खे आती है फिर भी। चलो चलो सुनाओ, हे खे दाल डाल जा रे 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 ये सी जे से जे से दिन सीन 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 स्वाद स्वाद डाइन। अभी वो तो छोटी है ना, उसको तो वैसे भी कम याद करवाइए, इस तरह और वर्बल राइटिंग ज्यादा सिखाइए। हाँ शाबाश, वेरी गुड, आपका इनसे फिर भी अच्छा है। ये दोनों लाइक जो है ना, ओए बुक से ये हुरैन लेके तो आइए आपके लिए, नर्सरी प्ले ग्रुप की बुक लेकर आइए, फोर क्लास के बच्चे के लिए। म्यूजिक जवान से याद करो, पहले मैं चाय गर्म करके लाओ। चलो सारी वाले नहीं बल्कि इस बच्चों को मैंने पढ़ा लिया था, अभी हम थोड़ा सा काम कर रही है। और यहाँ पे जी ये देखिए मशीन भी चल रही है, घूम रही है, कपड़े हो रहे हैं ड्रायर। और अब हमें लग गई है भूख, क्योंकि टाइम में आपको बताती हूँ बज गए हैं 2:30 बज गए। बस हो रहा है, तो आप ऐसे घूमियाँ मार के आइए। अच्छा मैं करती हूँ फ्री हो जाऊँ, मैं जैसे ही व्लॉग स्टार्ट किया ना भागी आई है कि मैं ना नंबर टांग लूँ फटाफट के ना। मैंने काम बदतमीज इंसान जा रही हूँ, डरा दिया मुझे बदतमीज ना, ये पेपर था इतनी आवाज आती है। मैं अपनी देर व्लॉग भी कर सकती हूँ, अपने ध्यान लो, अपने ध्यान लो, बना रही थी बदतमीज, आज इसको खाना नहीं मिलना। इतना बात ना, बहुत ऐसे लगा बम फट गया मेरे कार में। चलो ये पेपर भाग जा बदतमीज। गाइस पहले सोचा मैं आपको बता दूं, फिर मैंने सोचा ऐसे ज्यादा मजा आएगा, ऐसे ज्यादा मजा आएगा, बहुत बातें सारी मैं आती तो अभी भी
हाय अल्लाह, इतनी जोर जोर से धड़क रहा है मेरा दिल, बहुत बदतमीज है सारे में। खैर गाइस, मैं दिखाने लगी थी कि आज ना खाने में है हलीम और साथ में है नान, सो ये गर्म करते हैं और लेते हैं और खाते हैं। और सारे ने मुझे इतना जोर से डराया ना कि मेरा हार्ट बीट जो है ना वो ऐसे 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 मेरा दिल हो रहा है। अब जितनी दफा मर्जी करो आप, मुझे पता चल गया, पहले तो आपने अचानक किया था। वो सीन दोबारा दिखाना पड़ेगा। चलो चलो इधर से, बहुत गंदा बच्चा है सारी। चलो मैं ये गर्म करूँ, खाना शाना फिर खाते हैं। खाना मैं लेकर आ गई हूँ, मज़ेदार सामान है, साथ है हलीम और ये है जी हुरैन का। तो सब लगे हैं अब खाने, सो यम यम करके खाते हैं, पेट पूजा करते हैं। ये खाना शाना इन्हें मैंने खिला दिया गाइस, और ना खाना खाने के बाद ये बाहर गए हैं खेलने, और फिर वही इनकी चीखों पुकार। और यहाँ से देखें कितनी प्यारी सनलाइट आ रही है, अब कर्टन्स पीछे करें तो बहुत अच्छी सनलाइट आती है यहाँ पे इस रूम में ना। खैर आपको ये दिखाने हैं नकम्बे मैंने। हाँ जी, क्यों शॉर्ट कर रही हो? बोल लग जाएगी, मैं कह रहा हूँ उधर खड़ी कर दो, खड़ी रहना भाई इधर ही, क्यों बोल लगेगी? आप क्यों शॉर्ट कर रही हो? मम्मा ये बार बार मेरी उधर खड़ी आ रहा है, बाबा ने मना किया है कि नहीं ऐसे करना। ये ना भाई हुरैन चला रहा था, उससे बॉल छीन रहा था, तो ये देखो अब रो रहा हूँ। जी जी आज दिखाऊंगी तुझे, ब्लॉग में दिखाऊंगी, देखे सबको पता चलेगा ये क्या करता है घर में। फेस इधर कर दिया, शीशा टूट गया। उस बहन से बोल ले ली, सारी माँ की गर्दन पे बना दी। 5 साल छोटी है, ओहो 5 साल छोटी बहन से बोल, मेरी नहीं बोल रही, बॉल छीन ली। बॉल छीनने के बाद बहन को रुलाया, रुलाने के बाद फिर क्या हुआ? फिर माँ ने किया फिर माँ ने कहा कि बहन से बॉल नहीं लेनी, फिर रोया, रोकर हैंगर वो फेंका और बेड की बेड शीट खराब की, और फिर माँ ने व्लॉग में ले लिया, वायरल हो गया। ये देखो यहाँ ध्यान से निकल बॉल के लिए रो रहे। ये देखो गाइस, जो जो अपने घर में ऐसे करता ना, सबने कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है? अब ये देखो ये छुप गया, ये देखो ये देखो ये देखो, अब टावल के पीछे मुझे छुपा लिया। हुरैन आ जाओ, आपकी चोट लग जाएगी, आ जाओ हम जा रहे हैं बाहर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इसका मॉन्स्टर खा जाएगा, आ जाओ आ जाओ, इसका मॉन्स्टर खा जाएगा मॉन्स्टर। सबको पता चल गया कि सारिम कितना तंग करता है अपनी मम्मी को, सारिम कोई इतना इजी बच्चा नहीं है संभालना। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आप हट जाओ, आप जो लग जाएगी हट जाओ आप। तबीयत सेट हो गई है, फ्रेश हो गए हो, हुआ तो है ले, क्या हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ, सब लड़ते हैं, मैं ऐसे ही लड़ता हूँ, ऐसे ही है, सब ऐसे ही करते हैं, सब ऐसे करते हैं। बच्चा हमारी क्लास में जो अपनी बहन को स्कूल में मार रहा है, बुरी बात, मारते थोड़ी है, मैं तो नहीं मारता। हाँ आपने तो बॉल ली थी, मारा आता तो फिर तेरा क्या होता, कर गया। फिर सारी यहाँ पंखे से लटका नजर आता सब। चलो उठ जाओ खेलो, जाके जाओ को इतना रुला के करना नहीं, अगली हरकत करती पकड़ी गई है। ये देखें सारी का गिटार लेके चोरी वहां से उठा के भागी जा रही, कि मम्मा ने तो मुझे कुछ कहना ही नहीं है, भैया को ही डांटना है, और शक्ल देख अपना ये जैसे बड़ी मासूम है। बहुत तेज हो गया हुरैन, बहुत तेज हो गया भाई। सारी कोई पहले इतना रुलाया उसकी बॉल लेके, अब उसका गिटार लेके चली गई, कहती होगी मम्मा ने तो मेरी साइड ही लेनी है ना, मम्मा ने कौन सा भाई को कुछ कहना है, ऐसे नहीं होगा। बबल डाली है मुंह में, मैंने कहा जरा ये इतना बड़ा जो मुंह है थोड़ा शायद छोटा हो जाए, हाफ पड़ी थी वो मैंने मुंह में डाल लिया। चलो पहले चुप करा, पहले चल, बच्चों ने रेस्ट कर ली है और अब निकल आए हम बाहर खेलने। ये देखिए क्योंकि संडे है। हाँ जी क्या लिया है आप? कहते बबल लेनी है, सारी में देखो हवा आ रही है, बड़ी प्यारी है ना, बहुत प्यारी गाइस हवा आ रही है, मौसम बहुत अच्छा है, हवा आ रही, मौसम अच्छा हुआ हुआ है आज। दिल का मौसम अच्छा ना हो ना तो इंसान का कुछ करने का दिल ही नहीं करता। बच्चे इतना कह रहे थे मम्मा पार्क में चले जाते हैं, अच्छा जी साइकिल है, ये
तो दूसरे बच्चे के लिए हुई है, आपकी किधर है? ये बढ़िया। तो फ्रेंड की कहाँ है? फ्रेंड कहाँ है? वो ये खड़ा। चलो आप अपनी चलाओ बेटे, बुरी बात होती है अपनी चलाते होते हैं। मेरा दिल परेशान हुआ हुआ था पापा की वजह से, तो मेरा दिल नहीं कर रहा था बाहर निकलने का भी, और ये कह रहे बाहर निकले, अब हम जा रहे हैं जरा बाहर कोई। हाँ जी, ये जी सारिन का फ्रेंड आ गया, ये जिसकी साइकिल सारिन चला रहा है। वालेकुम अस्सलाम। अब बस बाहर निकलते हैं, थोड़ा कुछ खाने पीने के लिए लेते हैं, और हमदा की बुक्स बाइंड करवानी है वो करवाते हैं। सो बस बाहर वैसे मौसम अच्छा है, पर ना सारे मौसम दिल के साथ होते हैं, दिल का मौसम अच्छा तो सब मौसम अच्छे। स्काई वैसे बहुत प्यारी है, स्टोरी लगाती हूँ इंस्टा पर स्काई की। हुरैन ये क्या कर रही हो? हुरैन मट्टी के साथ, वही जो बच्चे सब करते हैं, अपना नेम लिख रही है बाबा की कार पे। चलो निकले बस, अब चलो अंदर करो साइकिल सारी, चलो अंदर जल्दी से अंदर करो, गेट बंद करो फिर बैठे। प्यारी सी हवा चल रही है, फूल भी दिखाती हूँ आपको प्यारे प्यारे से, और ये देखें कितने प्यारे फूल हैं। और अभी मैंने समर की शॉपिंग भी करनी है, अभी सिर्फ मैंने ईदी की शॉपिंग की थी, तो समर की चीज़ें भी लेनी है। तो अभी मैंने सोचा था ऑनलाइन कुछ सर्च करूँगी, कपड़े वगैरह देखूँगी, फिर करेंगे ऑर्डर। सो आजकल यही मैं सोच रही हूँ कि कहीं कुछ सर्च वगैरह करूँ सफायर पे और इस तरह ना। सारी चलो ना बेटे, इनके साथ बंदा कर सकते हैं मैं सब। चलो ना अंदर, ये देखो हमदा बैठने लगे, रहना हो बैठो। हम लोग आ गए यहाँ पे और हमने दी हैं हमदा की बुक्स बाइंड, होने पापा देने गए हैं, और ये देखो तीनों बैठे हैं। पॉइंटर्स भी लेने हैं, पॉइंटर्स लाए थे पापा, फिर और मंगवा लूंगी ना। ये देखो रैन बैठी हुई है, और हमदा कह रही मुझे प्यास लगी हुई, मैं जल्दी जल्दी साइकिल खड़ी की और आके गाड़ी में बैठ गई, पानी मैंने पिया ही नहीं, और अब इसको याद आ रहा है। तो ऐसे नहीं ना होना चाहिए, एक्टिवली जब देखा कि मामा पापा निकलने लगे हैं तो पानी पीना चाहिए था ना, और फिर साइकिल खड़ी कर। तीनों की लदे लदा होनी है, कटनी नहीं होनी, अलग ही करनी है, अलग ही करनी है, कटनी नहीं करनी। नहीं नहीं, शुक्र है कटनी नहीं करनी, कटनी हो जाती मेरा मुंह में हो जाना था, और पापा ने फिर नाराज होना था कि मुझे पहले की नहीं बताया, मैंने खुला आके भी नहीं देनी। बाइंडिंग के लिए कॉपीज दी थी, पापा समझ रहे होंगे कि शायद ना हमदा ने इकट्ठी करानी, हमदा थोड़ा पीछे हो गया तब तो इकट्ठी करवा के मैंने, इसलिए पापा कह रहे थे हमदा बैग में कैसे रखा करेगी तीनों इकट्ठी, हमें पता ही नहीं। हमदा को मोए में होने लगा था, और ये है जी हमारी मार्केट सारी, यहाँ पर आज इतना रश भी नहीं लग रहा मुझे, कुछ कंस्ट्रक्शन भी हो रही है यहाँ पे रोड वगैरह पे, बस काय की वाइब चेक करें। सारी माँ जितनी जिद कर रहा था कि पार्क चले पार्क चले पार्क चले, पर मेरा दिल नहीं कर रहा था, मैं कहा मुझे हिम्मत ही नहीं आया, तो कोई बात नहीं फिर चले जाएंगे, फिर किस दिन चले। रोज वादा करता है पांच नमाजें पढ़ूंगा, पढ़ता है वादा खिलाफी याद कराऊं, पकड़ा गया वादा कर लिया तो गुनाह कर लिया, नहीं तबीयत सही तो नहीं जाना बात खत्म। हां नहीं दिल कर रहा था, कौन सी बात है, ये कहाँ से ली इतनी गंदी टॉफी, चलो मुंह हो गया ब्लू, ऐसे नहीं दिखाओगा, ये वाली है, ओए होए होए मेरा तो नहीं हुआ, वो कहते हैं ना झूठ बोलते हैं तो जुबान काली हो जाती, दिखाओ हमदा जुबान ब्लू, अगला ने लेके खाई है हमदा का नहीं हुआ, और रैन का भी हो। हम सब्जी लेने आ गए हैं, बाबा गए हैं उधर सब्जी लेने, और मैंने इतना फिश पे नहीं ना होए होए गए सारी, इतना गंदा इतना गंदा, मुझे वॉमिट आ गया, गंदा दोबारा शूट करो, दोबारा तो कुछ शूट नहीं होता, व्लॉग में तो सब बनता है, कह रहा दोबारा शूट, ये क्या कह रहा, गाड़ी तोड़नी है, कह रहा दोबारा शूट करो दोबारा शूट करो। इधर पापा एक साइड पे गाड़ी खड़ी करके गए हैं खंबे के पास सब्जी वाले के साथ, दोबारा शूट करो, दोबारा कुछ शूट नहीं होता, तो तेरा मामा डे है, पहले रोता हुआ शूट हुआ, अब गंदी चीजें खाता हुआ शूट हुआ, बाबा को बता देना, हम बाबा को उठा दो चल पड़े, हाँ फिर पापा जब तेरा गियर उठाएंगे। वाओ इतनी प्यारी बाइंड हो गई हमदा की कॉपीज, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हम लोग आ गए हैं घर, और सब्जी वगैरह भी ले ली है, मैंने कहा कल काम आ जाएगी। अब चलो जी क्या करने लगे हो, अब जल्दी से बताओ, फ्रूट काट के देती हूँ सबसे पहले आप लोगों को, ठीक है, फ्रूट खाओ, फ्रूट पार्टी करते हैं, और फिर उसके बाद खाना छाना खाएंगे, टाइम जो है अभी तो 7 बजने। हाँ ठीक है, अभी फ्रूट दे देती हूँ आप लोगों को सबको, फ्रूट कट करते हैं, कट कर लिया है। और ये देखिए मैंने अपनी न्यू एक्सटेंशन मंगवाई है अपना लैपटॉप मोबाइल लगाने के लिए, हाँ इसमें लाइट है ना, ये
अच्छी वाली सलमान ने लगा दी है। थैंक यू जी। अब मेरा लैपटॉप जो है वो सलमान साहब की साइड पे नहीं लगेगा, चार्जिंग पे मेरी साइड पे ही लगेगा, और मेरा मोबाइल भी मेरी साइड पे ही लगेगा, सलमान की साइड पे नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने बहुत तंग करते बेचारे, रात को भी इतना परेशान होते थे, हर चीज़ हमने इनकी साइड पे रखी होती थी, अपनी स्मार्ट वॉचेस, मोबाइल, और मेरे तो आपको पता है 2-3 मोबाइल हैं, तो सारे वहाँ पे हमने ढेर लगाया होता था चार्जिंग का। सो बस इस वजह से ना ये देखेंगे, ये 2 मोबाइल, ये मेरे, एक ये जिससे व्लॉग बन रहा है, एक सलमान का, और फिर हमारी स्मार्ट वॉचेस और सलमान साहब का मोबाइल, तो वो तो पागल होने वाले हो गए थे, और लैपटॉप भी। और खैर ये जी अब लगे हैं फ्रूट पार्टी करने, थोड़ा सा मैंने एप्पल कट कर लिया है, साथ में है जी ये पता नहीं गर्मी है कि सर्द है, ये बाबा को पता होगा क्या है, एप्पल मैंने पहले खा लिया, विटामिन फ्रूट की कमी हुई हुई थी बॉडी में बहुत ज्यादा, ये सही तरीका है, एप्पल एक बार एप्पल की एक बार वो हम तो मुझे कह रही है आपको कैसे पता चलता है कि ना हमें फ्रूट की जरूरत है, मैं कहूं मुझे आपके चेहरा देख के पता चल जाता है कि अब ना हमदा को फ्रूट की जरूरत है, फिर मुझे चेहरा देख के पता चल जाता है कि अब हमदा को रोटी की जरूरत है, फिर मुझे चेहरा देख के पता चल जाता है कि अब हमदा को दूध की जरूरत है, और फिर मुझे चेहरा देख के पता चल जाता है कि हमदा को पिटाई की जरूरत है, दूध के नाम पे काम देख के, और वो देखें वहाँ पे अपना प्लेटर लेके, ओए होए 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 ये देखें, और साथ में प्लेन सेट किया हुआ है, साथ में फुल माहौल बनाया हुआ है, एयरपोर्ट बना के बैठा हुआ है, दिखाओ इसे ना, मैंने ना अपना ना कार्गो प्लेन बनाया हुआ है, कार्गो प्लेन, इसके अंदर क्या लोड किया हुआ है, सारिम, आज के ब्लॉग तो सारा ना सारिम के नाम ही है, आज के ब्लॉग में तो ज्यादा सारिम को ही मैंने दिखाया, रोते को, हंसते को, तमाशे करते को, और अब सारिम का कार्गो प्लेन भी आ गया, दिखाओ भाई, लोडिंग का ही नहीं रहा है, इसमें क्या अटका है, कोई चीज सलामत रहने देते हो, बस हम बूढ़े हो गए 2000 years later सेल नहीं कर रहे अंदर, सो इतने सेल अंदर कार्गो सेल, अब मैं खा लूँ। हाँ जी गाइस, तो बच्चों ने खाना शाना भी खा लिया, फ्रूट खा लिया था, उसके बाद इन्होंने की है स्कूल जाने की तैयारी, क्योंकि जाना है सुबह स्कूल, सो अब मैं लगी थी व्लॉग एडिट करने, तो मैंने कहा व्लॉग एंड भी कर देते हैं, तो गाइस इसके साथ ही करते हैं हम अपनी वीडियो का एंड, तो उम्मीद करती हूँ आपको हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और आप सब ने बहुत ज़्यादा दुआ करनी है मेरे पापा के लिए भी, हम सब के लिए भी, और हर वालदैन के लिए, पूरी दुनिया में जिस जिसके वालदैन है, हर किसी के लिए दुआ करनी है कि अल्लाह ताला सबको सेहत तंदरुस्ती अता करे, और वालदन का साया जो है सबके सरों पर सलामत रखे, कायम रखे, ठीक है जी, इसी बात के साथ करते हैं आज की वीडियो का एंड, तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, आज कर दो बाय बाय।